मुंदरी मोहल्ला व्यापारी संघ अजमेर ने आज नगर निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बाजार में शौचालय बनाने की मांग रखी है। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से बाजार में सैकड़ों दुकानें स्थापित हैं, इसके साथ ही हजारों की संख्या में जायरीन व आम जनता बाजार में पहुंचती है, जिनके लिए एक भी शौचालय मौजूद नहीं है। शौचालय की मांग को लेकर पहले भी कई बार व्यापार मंडल की ओर से ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन शौचालय नहीं बनाया गया। शौचालय नहीं होने से आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं दुकानदारों के लिए भी शौच करने की समस्या रहती है। ऐसे में नगर निगम द्वारा शौचालय बनाया जाता है तो गंदगी से भी बचाव होगा, वहीं दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर नगर निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें तमाम व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम जो मुंदड़ी मोहल्ला आर्य समाज चौक में वहाँ एक पेशाब घर स्थित था, जो कि लगभग करीब 12 से 15 वर्षों से पुराना बना हुआ था, उसको किन्हीं कारणों दो वहाँ मकान रह गए, सिर्फ उनकी वजह से बंद कर दिया गया है। जबकि एक तरफ तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं शौचालय बनाया जाए, और दूसरी तरफ यहाँ के जो पार्षद है वो कहते हैं शौचालय बंद किए जाएँ। तो ये कौन सा कानून है? क्या कानून वहाँ अलग है यहाँ अलग है? और जहाँ जबकि वहाँ 500 व्यापारी लगभग करीब रोज़ वहाँ पेशाब करने जाते हैं, प्लस उनके यहाँ दो दो जो कर्मचारी काम करते हैं वो सब उसी जगह पेशाब करने जाते हैं। उस पेशाब घर बंद होने से व्यापारियों में इतनी आहत महसूस हुई है, व्यापारियों को इतनी परेशानी हो रही है, उसकी वजह से हम ज्ञापन देने आए। तुम्हें तो आयुक्त महोदय नहीं मिले, उपायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, उपायुक्त महोदय ने हमको तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर हमारी आज ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो दो दिन बाद हम वापस आएंगे, और नहीं तो सोमवार को लगभग आसपास के सारी बाजार बंद करा के धरने पर बैठ जाएंगे जब तक पेशाब घर नहीं खुलेगा।